हेलो हाय एवरीवन। देखिए, लास्ट के अंदर जनरली हमने टॉपिक के अंदर सॉल्यूशन के टर्म के बारे में पढ़ रहे थे, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमारे को सॉल्यूशन के बारे में ही स्टडी करना है। तो लास्ट के अंदर हमने ये स्टडी किया था कि हम सॉल्यूशन के लिए दो टर्म्स यूज कर सकते हैं, एक डायल्यूटेड, दूसरा कंसंट्रेटेड। डायल्यूटेड टर्म जनरली अपन तब यूज करते हैं जब सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कम होती है, और कंसंट्रेटेड तब यूज करते हैं जब सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होती है। तो लो अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायल्यूट टर्म यूज करते हैं, हाई अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कंसंट्रेटेड टर्म यूज करते हैं। अब देखो, ये टर्म अपन यूज करने के लिए तो बहुत सिंपल है। जो सपोज कीजिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं दो ग्लास लेता हूँ, दोनों ग्लासेस के अंदर सेम अमाउंट का मैं वाटर डालता हूँ, और उसके अंदर एक के अंदर 5 ग्राम का मैं क्या डालता हूँ NaCl, दूसरे के अंदर मैं 10 ग्राम NaCl डालता हूँ। मतलब एक फर्स्ट जो हमारा इस तरफ जो हमारा फर्स्ट वाली ग्लास है उसके अंदर हमने 5 ग्राम सोल्ट डाला है, और दूसरी वाली ग्लास के अंदर हमने 10 ग्राम सोल्ट डाला है। तो इस कंडीशन के अंदर कंसंट्रेटेड कौन सा होगा, डायल्यूटेड कौन सा होगा, तो बहुत ईजी वे से अपन पता जाते हैं। हम जनरली ये कहते हैं कि दोनों के अंदर वाटर की अमाउंट क्या है, इक्वल है, कि इसके अंदर जितना वाटर है वो इसी के अंदर क्या है, सेम अमाउंट है। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को देखो सिंपली अपन को पता चल जाता है कि जिसके अंदर सॉल्यूट के अमाउंट कम है वो डायल्यूटेड होगा, जिसके अंदर सॉल्यूट के अमाउंट ज्यादा है वो क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो ये तो जनरली क्या होगा, डायल्यूटेड, ये क्या होगा, कंसंट्रेटेड होगा। तो ये तो अपन को समझ में आ जाता है कि जहां पर सॉल्यूट की अमाउंट कम होगी वहां पे अपन डायल्यूट टर्म यूज करेंगे, जहां पे सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी वहां पे अपन कंसंट्रेटेड टर्म यूज करेंगे। अब सपोज करो, अगर मैं ये बोलूं कि हम 5 ग्राम NaCl या सोल्ट 10 ग्राम में डालते हैं, और 15 ग्राम NaCl अपन 75 ग्राम ऑफ वाटर में डालते हैं, अब क्या आप बता सकते हो कि कंसंट्रेटेड कौन सा है, डायल्यूट कौन सा है? देखो, इस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या जाती है, कंफ्यूजन आ जाती है कि हम इस कंडीशन के अंदर डायल्यूट किसको कहें, कंसंट्रेटेड किसको कहें, हमारे को खुद को नहीं पता चलता। तो फिर देखो, इस वाली कंडीशन के अंदर कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने जनरली क्या एक मेथड निकाला है जो हमारे को ये बताता है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर या पर यूनिट मास के अंदर हमारी सॉल्यूट की अमाउंट या कंसंट्रेशन कितनी होती है, या कितना सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं कि डायल्यूटेड कौन सा होगा और कंसंट्रेटेड कौन सा होगा। जैसे कि हम क्या लेते हैं, दो ग्लासेस लेते हैं या दो बीकर्स लेते हैं, एक बीकर के अंदर हम वाटर कितना डालते हैं, वाटर तो डालते हैं 10 ग्राम, और दूसरे बीकर के अंदर वाटर डालते हैं 75 ग्राम, और NaCl का मतलब क्या होता है, सोल्ट, एक के अंदर 5 ग्राम डालते हैं, दूसरे के अंदर NaCl कितना डालते हैं, 15 ग्राम डालते हैं। तो अब बताओ कि इसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा और डायल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होगा। तो इस कंडीशन के अंदर देखो, वाटर की अमाउंट सेम नहीं है, तो हमारे पास क्या हो जाती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कंसंट्रेटेड टर्म किसके लिए यूज करें और डायल्यूट टर्म किसके लिए यूज करें। तो इस वाली कंडीशन के अंदर या इस वाली सिचुएशन के अंदर हमारी जो कंफ्यूजन होती है उसको दूर करने के लिए हमने एक मेथड निकाला, जिससे हमारे को ये पता चल जाता है कि आप वॉल्यूम जो सॉल्यूट या हमारी सॉल्यूशन की जो अमाउंट होती है, सॉल्वेंट की अमाउंट होती है, उसके अंदर कोई भी चेंजिंग करो, हमारे को उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, हम आपको एग्जैक्ट आंसर बताएंगे। तो तब हमने क्या निकाला, एक और न्यू टॉपिक आ जाता है, कंसंट्रेशन टर्म, कि हम कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है कि हमारे को ये फाइंड करना है कि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। तो इस वजह से हमारे पास देखो, हमारी बुक के अंदर तीन बेसिकली वे दिए हुए हैं कि इन तीनों तरीकों से हम निकाल सकते हैं कि सॉल्यूट हमारे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। फर्स्ट है देखो, मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, ये बेसिकली हमारे को ये बताता है कि हमारे पर यूनिट सॉल्यूशन के अंदर, पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हमारा सॉल्यूट कितना डिसॉल्व है। तो उसका फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इनटू 100 परसेंटेज निकाले, तो इस हिसाब से अपन क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर सपोज कीजिए आपकी सॉल्यूट की अमाउंट ग्राम में दी हो और आपकी सॉल्यूशन आपके सॉल्वेंट की अमाउंट बेसिकली किसमें वॉल्यूम में दी जाए, तो उस कंडीशन के अंदर आप कैसे निकालोगे। तो सिंपल सा मेथड है, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू 100, तो उस वक्त अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। थर्ड नंबर पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, इसका देखो फॉर्मूला क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू मिलीलीटर, और सारे टर्म को क्या 100 से मल्टीप्लाई कर देना। ये बेसिकली तीन ये ऐसे मेथड है, इन तीन मेथड्स को हम हमारे न्यूमेरिकल से अन्यूमेरिकल मेथड से यूज करके हमारे को ये पता चल सकता है कि कौन से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है और कौन से सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट की अमाउंट कम है। जब इस तरीके के हमारे पास क्या मिलते हैं, सॉल्यूशन की डेटा मिलती है।
तो उस वाली डेटा को सोल्व करने के लिए हम इन तीन मेथड्स में से कोई भी मेथड एक मेथड यूज करेंगे। अब कौन सा वाला मेथड यूज करेंगे ये डिसाइड किया जाएगा हमारे न्यूमेरिकल के अंदर कौन सी डेटा दी गई है। अगर आपका सोल्यूट जनरली ग्राम में देते हैं और आपका सॉल्वेंट भी ग्राम में देते हैं तो आपको ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपका सोल्यूट ग्राम में देते हैं और जो आपका सॉल्वेंट है वो लीटर या मिलीलीटर में देते हैं तो आपको ये वाला यूज करना है। अगर सोल्यूट भी मिलीलीटर में है और सॉल्वेंट भी मिलीलीटर में तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो अपन यूज करके देखते हैं तब अपन को पता चलेगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ लास्ट के अंदर, ये वाला देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। अ सॉल्यूशन कंटेन 50 ग्राम ऑफ NaCl इन 500 ग्राम ऑफ वाटर फाइन कंसंट्रेशन। कि एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर 50 ग्राम नमक के और 500 ग्राम तो क्या है पानी है, तो आप ये बताओ कि इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। अब देखो यहाँ पे दो चीजें नोट करने की है कि जो कम अमाउंट का जो होता है उसे अपन क्या कहते हैं सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्यूट किसमें दिया हुआ है ग्राम के अंदर दिया हुआ है। जो ज्यादा अमाउंट में होता है उसे क्या कहते हैं सॉल्वेंट। जो हमारा वाटर है वो किसमें दिया हुआ है वो भी ग्राम में दिया हुआ है। तो इस वजह से अपन कंसंट्रेशन निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट वाला यूज करेंगे। देखो फर्स्ट वाले के अंदर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इन ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम, तो इस वजह से अपन फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे और हमारे को हमारी रिजल्ट मिल जाएगी। तो देखो क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको डेटा बनानी है कि आपको क्या चीजें गिविन है और क्या वो आपको पूछ रहा है। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया हुआ है 500 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता है, जैसे हमने पीछे देखो ये चीज क्लियर की थी कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं सॉल्यूशन बनाते हैं। तो आपका सॉल्यूट का मास है और सॉल्वेंट का मास है, दोनों को कंबाइन कर दो जो आपकी रिजल्ट आएगी वही आपका क्या होगा सॉल्यूशन का मास होगा। तो हमारे मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट जो हमारे को क्या बताएगा मास ऑफ सॉल्यूशन बताएगा। तो 50 प्लस 500 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 550 आएगा। अब हमारे को क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। तो कंसंट्रेशन के लिए हमारे पास 1, 2, 3 फॉर्मूले, तो इसके अंदर जो हमारे पास डेटा दी हुई है उसके हिसाब से अपन का फर्स्ट वाला फॉर्मूला ही अपन यूज कर सकते हैं। तो आप कंसंट्रेशन निकालेंगे क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट का मास कितना दिया हुआ 50 दिया हुआ है तो अपने 50 लिख दिया। सॉल्यूशन का मास कितना हमारे को मिला है 550, तो हमने 550 लिख दिया इनटू 100। इस पूरे टर्म को अपन सोल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9.09 आएगा। तो ये चीज अपन को ये बताती है कि इस चीज की कंसंट्रेशन कितनी है 9.09। तो अब देखो इससे जैसे तो इस तरीके से आपको क्या न्यूमेरिकल सोल्व करने इन द केस एग्जाम के अंदर आते हैं। अब अगर अपन इस वाले इन दोनों सॉल्यूशन की बात करें कि इसके अंदर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा डाइल्यूटेड कौन सा होगा, तो अपन बहुत ईजी वे से फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड करना है, देखो ये वाला फॉर्मूला देखो, इसके अंदर हमारे को वाटर देखो किसमें दिया हुआ है ग्राम में दिया हुआ है और सॉल्ट भी किसने दिया हुआ है ग्राम में दिया हुआ है। तो अपन का फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, ये वाला ही फॉर्मूला यूज होगा कि कंसंट्रेशन निकालने के लिए। तो सबसे पहले अपन इनको नाम दे देते हैं, ये अपन का फर्स्ट वाला सॉल्यूशन है, ये वाला अपन का सेकंड वाला सॉल्यूशन है। तो फर्स्ट वाले सॉल्यूशन की बेसिकली कंसंट्रेशन कितनी निकलेगी, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन 200। सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 5 और सॉल्यूशन का मास कितना है 10 प्लस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 15 इन 200 कर दो तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 33.3% आ गई। ठीक है, तो आपकी कंसंट्रेशन कितनी आ गई 33.3% आ गई। अब अपन सेकंड का निकालते हैं तो कंसंट्रेशन कितनी आएगी, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 15, नमक की अमाउंट कितनी दी हुई है 15 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 75 प्लस 15 करेंगे तो कितना हो जाएगा जनरली 85 हो जाएगा नहीं 90 हो जाएगा 90 into 100। तो 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स और ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, तो कितना आंसर आ जाएगा 15 आंसर है 15 पॉइंट समथिंग आएगा। तो अपन क्या देखते हैं 15 लिखते हैं। अब देखो आपकी अगर इस तरीके की आपको डेटा मिलती है तो भी आप क्या निकाल देते हो, कंसंट्रेशन निकाल देते हो कि फर्स्ट वाले का अपन की कंसंट्रेशन कितनी आई 33.3% आई है, सेकंड वाले की कंसंट्रेशन कितनी आई है 15 आई है। तो जो कंसंट्रेशन की अमाउंट आपकी ज़्यादा होगी वो जनरली क्या होगा कंसंट्रेटेड होगा और जिसकी कंसंट्रेशन की अमाउंट कम होगी वो क्या होगा डाइल्यूटेड होगा। तो ये चीज़ अपन को ये बताती है कि अगर हमारे को जो सॉल्वेंट की अमाउंट के अंदर आ चाहे आप चेंज कर दो फिर भी हम डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड टर्म यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे कि हम सबसे पहले उन दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालेंगे
उस कंसंट्रेशन को अपन यूज करके अपन को ये बता सकते हैं कि कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कौन सा है, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कौन सा है। तो इस वजह से अपन क्या करते हैं, ये वाले टर्म्स यूज करते हैं जब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की अमाउंट के अंदर चेंजिंग करते हैं तो हमारे को डिफिकल्टी फील होती है कि हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसे करें और डाइल्यूटेड सॉल्यूशन किसे करें। तो उस डिफिकल्टी को सोल्व करने के लिए हम इन न्यूमेरिकल मेथड से उन जनरली क्या आंसर निकालते हैं, सोल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर जिसका आंसर ज़्यादा आता है वो बेसिकली कंसंट्रेटेड की तरह बिहेव करता है, जिसका आंसर कम आता है उसको वो डाइल्यूटेड की तरह बिहेव करता है। जैसे इन वाली कंडीशन के अंदर फर्स्ट वाले का आंसर 33.3 आया, दूसरे का है 15, तो 33.3 ज़्यादा अमाउंट है इस वजह से ये कंसंट्रेटेड हो गया और 15 कम अमाउंट है इस वजह से ये क्या हो गया, डाइल्यूटेड हो गया। जो भी आपको देखो नोट करना है तो आप नोट कर लीजिएगा। इन द केस अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। गुड बाय फॉर नाउ।